गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ, वेलकम इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया, उसमें इंसिडेंट रे जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे का वो मैंने आपको बताया। मैंने डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी आपको बताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं वापस, क्योंकि कल के वीडियो में बहुत कुछ नहीं बता पाया, तो मैं चाहता हूं कि आज मैं फिर वापस डिस्पर्सन ऑफ लाइट से ही इसकी शुरुआत करूं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो एक बार फिर से आप लोग बोर्ड की ओर आए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, द विंड ऑफ सेवन कलर्स फॉर्म्ड ऑन द व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब जब एक व्हाइट लाइट इस ग्लास प्रिज्म से होकर के जाता है तो ये सेवन कलर बैंड में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है और टूट करके स्क्रीन पर आकर के पड़ता है, जिसमें कौन कौन सा कलर है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर रेड ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है। रेड का वेवलेंथ अधिक होने की वजह से रेड हमेशा टॉप पे अपीयर करता है, इसमें डेविएशन कम होता है, जबकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम डेविएशन होता है, ये और सबसे नीचे पाया जाता है। मैंने यह भी पिछले क्लास में आपको बताया कि इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बना था इसको सबसे पहले न्यूटन साहब ने ही बनाया था, ऐसा डिस्कवर करके देखा था, खोज हुआ था, जिसमें एक व्हाइट लाइट को उन्होंने ग्लास प्रिज्म से पास करवा करके सेवन कलर के बैंड को बनाया था। फिर उन्होंने बनाया एक न्यूटन स्पेक्ट्रम डिस्क, ये एक स्फेरिकल एक सर्कुलर डिस्क था जिसको उन्होंने 14 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया था, और हर जो आप देख रहे हो आमने सामने वाला जिसको आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह जानते हो, उस सेगमेंट्स को उन्होंने सेम कलर से कलर किया था, जैसे वायलेट वायलेट, इंडिगो इंडिगो, ब्लू ब्लू, येलो येलो, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, ऑरेंज ऑरेंज, इस तरह से। और उसके बाद इस स्पेक्ट्रम को जब काफी तेजी से घुमाया जाएगा तो ये सातों कलर जो है वो एक साथ मिक्सअप हो जाएगा, और मिक्सअप होकर के हमें कैसा कलर देगा, व्हाइट कलर देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रूव करो कि व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ सेवन कलर्स। तो आप ये काम कर सकते हो, एक स्पेक्ट्रम को ला करके दिखाओगे कि एक एक स्पेक्ट्रम पर व्हाइट लाइट गया, सेवन कलर में बटा। उसके बाद कहता है कि इसको कैसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रमाणित करोगे कि ये सात कलर का ही बना हुआ होता है। बहुत आसान है, मैं आपको एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। करना क्या है ना कि इस स्पेक्ट्रम के पाथ में ही आपको एक दूसरा प्रिज्म लगा देना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रीवियस वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, ये दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ हो, सेम एंगल का भी हो। क्या होगा जब सारा रे ऑफ लाइट इसमें इंटर करेगा तो ये सारा का सारा रे लाइट जो है वो एक साथ बेस की ओर बेंड करेगा कुछ इस तरीके से। और यहां से वापस एक आपको व्हाइट रे मिल जाएगा। तो इससे पता चला कि व्हाइट रे जब गया एक प्रिज्म में, ये सात कलर में बट गया, और उसके बाद सेम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और सेम एंगल का अगर एक दूसरा प्रिज्म हम लोग लेकर के और इसको उल्टा करके लगाते हैं तो यही सात कलर जो है वो इस प्रिज्म के अंदर एंटर करने के बाद फिर जाकर के मिक्सअप होकर के एक व्हाइट रे के रूप में ही बाहर निकल जाता है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ सेवन कलर। लेकिन कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन और घुमाया जाता है, मैं इसको एक और भी तरीके से बता सकता हूं। उसमें क्या है कि अच्छा भाई ये तो व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट रे है, ये गया तो ये सात भागों में टूट गया, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोई और कलर का रे ऑफ लाइट बाहर निकले और उस रे को दूसरे से अगर पास करवाएं, या आपसे ऐसा कहा जाए कि अगर रेड लाइट को पास करवा दिया जाए इस प्रिज्म से तब क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। चलिए ये सेवन कलर का स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए कि
ये सब जो भी रे ऑफ लाइट है, सब जो निकला चलिए यहां पर नाम ना लिख करके हम लोग अलग कहीं पे नाम लिख लेते हैं, आइए यहां विव ग्योर, इसको हम लोगों ने स्क्रीन पर प्राप्त किया और जहां पर आप देख रहे हो ग्रीन कलर पास कर रहा वहां एक होल कर दिया, स्क्रीन पर सारा रे रुक गया और यहां से कौन सा कलर बचा, केवल ग्रीन लाइट बचा जो आगे की ओर आया। वापस क्या किया हमने, एक और प्रिज्म लिया और एक और प्रिज्म से इसको पास करवा करके देखा, आपको पता चलेगा कि ये जो रे है जब ग्रीन पास किया गया हम लोगों ने इसमें से ग्रीन पास किया, ग्रीन कलर के रे को पास किया तो ये ग्रीन कलर ही निकला। इससे ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट केवल व्हाइट लाइट के साथ होता है, वो किसी और रे ऑफ लाइट के साथ नहीं होता है। मतलब ये सातों कलर में से किसी एक पर्टिकुलर कलर को अगर आप इस प्रिज्म से होकर के पास आउट करोगे तो उससे जिस कलर को आप पास करोगे बिल्कुल वही कलर आपको दूसरी ओर प्राप्त होता है। तो एक चीज बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया, व्हाइट कलर इज द मिक्सचर ऑफ सेवन कलर। इससे दो तीन क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, इसके बारे में लिखने के लिए आएगा। तो आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देना है ना, कि उसमें क्या देना है, द बैंड ऑफ सेवन कलर formed on the white screen when a ray of light is passes through, white ray passes through a glass prism is called dispersion of light। और उसके बाद एक फिगर बना देना है जिसमें एक प्रिज्म से इंटर करवा के आपको सातों कलर को दिखा देना। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि प्रूफ व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ सेवन कलर। आप पहला वाला डिस्पर्सन ऑफ लाइट के डेफिनेशन के हिसाब से भी चल सकते हो, या मैंने जो ये दो तरीका आपको बताया, एक ये वाला और एक न्यूटन स्पेक्ट्रम का जो मैंने एक सर्कुलर डिस्क बनाया था, ये डिस्क वाला भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि जो कलर है अगर किसी एक पर्टिकुलर कलर को अगर हम लोग पास आउट करवा दें प्रिज्म से होकर के तब क्या होगा। तो आपको लिखना है कि जो एक सिंगल कलर होगा उसमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्पर्शन नहीं होगा और जिस कलर का रे ऑफ लाइट आपने प्रिज्म से पास करवाया है बिल्कुल वैसा ही कलर आपको दूसरी ओर प्राप्त होगा। बच्चों अब हम लोग एक नेचुरल फिनोमेनन जो आपको अक्सर ही आप लोगों ने देखा होगा खास करके रेनी सीजन में, दूसरी ओर सन के अपोजिट डायरेक्शन में एक सेवन कलर का बैंड आसमान में बनता है जिसको हम लोग रेनबो कहते हैं। तो आज हम लोग इस रेनबो के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों बनता है और कैसा होता है। रेनबो है क्या? रेनबो जो है वो एक है नेचुरल स्पेक्ट्रम और इसमें पूरी तरह से डिस्पर्सन ऑफ लाइट की ही थ्योरी काम करती है। मैंने यहाँ एक फिगर बनाया है, मैं इस आपको पूरी तरह से इस फिगर से ही स्पष्ट कर दूंगा। फिलहाल पहले हम लोग देखते हैं रेनबो का डेफिनेशन। द रेनबो इज एन आर्च ऑफ सेवन कलर विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सन लाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमोसफेयर। मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि सबसे पहला पॉइंट, रेनबो हमेशा रेनी सीजन में बनेगा, ड्राई सीजन में जबकि बारिश नहीं हो रही हो रेनबो नहीं बनेगा। दूसरा नंबर पॉइंट, ये जब भी बनेगा सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगा। अगर सन सुबह के समय में सन अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो रेनबो वेस्ट के डायरेक्शन में बनेगा, और शाम के वक्त में जब सन वेस्ट डायरेक्शन में होगा शाम के वक्त में अगर कोई स्पेक्ट्रम बनता है तो वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में ही बनेगा। ये होता है। अभी क्यों होता है, तो आप देखते होंगे कि बरसात के समय में इन रेनी सीजन्स देर आर सो मेनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। दिस ऑल वाटर ड्रॉपलेट्स रिएक्ट लाइक अ प्रिज्म। व्हेन सन रे एंटर्स इन द वाटर ड्रॉपलेट, एज पर यहां पे मैंने एक फिगर बनाया है, द सन रे एंटर्स फ्रॉम पॉइंट बी एंड द पॉइंट बी बिहेव लाइक अ प्रिज्म एंड पॉइंट बी डिस्पर्स दिस व्हाइट लाइट इन टू सेवन कलर ऑफ बैंड। ये सेवन कलर के बैंड में इसको ब्रेक डाउन किया और ये इंटरनल सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट मतलब सरफेस सी पर आया। पहला काम क्या हुआ, फर्स्ट सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ये प्रिज्म की तरह बिहेव किया, यहां से सनलाइट जो व्हाइट कलर का सनलाइट था वो सेवन कलर बैंड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब पॉइंट सी पर पहुंचा तो पॉइंट सी से ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, बिल्कुल ये मिरर की तरह काम कर रहा है। यहां पर ऐसा कह सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस
एट पॉइंट सी एंड डिसॉल्व सेवन कलर बैंड मूव टू पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट डी. अभी पॉइंट डी पर आकर क्या होगा, ये अब बाहर निकलेगा. तो जब ये बाहर निकलेगा तो यहां क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. यहां पे यहां क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. और यहां क्या होगा, इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर होगा डिस्पर्शन. तीन पॉइंट तीन अलग अलग तरह से बिहेव करेगा. और इस केस में क्या होगा, रेड कलर सबसे ऊपर और वायलेट कलर सबसे नीचे बनेगा, जो हमारी आंखों पर दिखेगा. तो ये था बाबू आप लोगों का रेनबो का स्ट्रक्चर. आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा. जब भी लिखना होगा इसके बारे में, पहले इतना बात लिखने के बाद इन सारी बातों को लिख देना है कि व्हेन सन रे एंटर्स इन वाटर ड्रॉपलेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट रिएक्ट लाइक अ प्रिज्म एंड डिस्पर्स द वाइट रे इंटू सेवन कलर बैंड एट पॉइंट सी द टोटल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एंड ऑल द सेवन कलर ऑफ लाइट गोज टू पॉइंट डी एंड एट पॉइंट डी दिस ऑल सेवन कलर ऑफ लाइट रिफ्रेक्टेड इन द एटमोस्फेयर वेयर रेड कलर इज अपीयर इन अपर लेवल एंड वायलेट कलर इज अपीयर इन द लोएस्ट पार्ट एंड फॉर्म अ रेनबो. दिस इज नेचुरल स्पेक्ट्रम. ओके, अब हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं. बच्चों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एटमोस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं, जिसको हम लोग एयर पैकेट्स कहते हैं. और हर एक एयर पैकेट का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है. अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अगर हम लोग सोच समझे तो जो कूल प्लेस होगा, कूल टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कूल होगा, वो उसकी जो डेंसिटी होगी वो अधिक होगी. यानी कि वो कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा. और जो हॉट एयर होगा वो रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा. मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जैसे जैसे मान लीजिए यहां पे अर्थ है, तो अर्थ के करीब वाला जो लेयर है वो कंटिन्यूअसली डेंसर है, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ोगे और एकदम टॉपेस्ट लेवल तक पहुंचोगे, यहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, तो ये जो है रेयरर होगा और कंटिन्यूअसली ये डेंसर होता चला जाएगा. अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, जब रे ऑफ लाइट यहां से इंटर करता है तो ये जो है ये रेयरर मीडियम है, और रेयरर से ये डेंसर की ओर इन किया तो ये हल्का सा बेंड करेगा, फिर थोड़ा और बेंड करेगा, थोड़ा और बेंड करेगा, और इस तरह से कंटिन्यूअसली इसमें बेंडिंग होगा और तब अर्थ तक पहुंचेगा. तो आप देख रहे हो, मान लीजिए सन से रे ऑफ लाइट आया है तो आपको सन एक्चुअल में यहां दिखेगा, दिख रहा है यहां, दिस इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, और आपको दिख कहां रहा, दूसरी ओर. तो ये किसके वजह से हुआ, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ, क्योंकि अलग अलग पैकेट्स का जो मीडियम की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है. अर्थ के करीब में डेंसर मीडियम मिलेगा, और जैसे जैसे आप अर्थ से दूर होते चले जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट एयर पैकेट्स में जाएंगे, वैसे वैसे वो मीडियम जो है वो रेयरर होता चला जाएगा. इसलिए कभी भी स्ट्रेट रे लाइट यहाँ पर आता नहीं है, तो एक्चुअल सन हमको दिखता नहीं है. जो सन हमें दिख रहा है वो एक्चुअली में वो उसका अपेरेंट पोजिशन है, वो उसका एक्चुअल पोजिशन नहीं है. तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है कि द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर. मतलब मान लीजिए सन भी एक स्टार है, अब सन का एक्चुअल पोजीशन यहां है, लेकिन सन हमको ऊपर की ओर दिखेगा, इससे ऊंचाई में दिखेगा, ये मतलब ये हायर दिखेगा. इसका भी वजह वही है, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो ये क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया और ये क्लियर कर दिया. अब आ जाइए इसमें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. स्टार्स का ट्विंकलिंग करने का मतलब क्या है, What is the meaning of twinkling of a star? तो स्टार के ट्विंकलिंग करने का मतलब होता है कि कुछ समय में वो बिल्कुल डिम हो जाना और कुछ समय में ब्राइटर हो जाना, मतलब बिल्कुल इस तरह से होता रहना. इसका वजह क्या है, इसका वजह है, सबसे पहला वजह इसका एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है. और एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि टेम्परेचर ऑफ एयर पॉकेट कॉन्स्टेंट नहीं है.
इसका टेम्परेचर हर एक पॉकेट्स का जो टेम्परेचर है उसमें कंटिन्यूअसली एक चेंजेज आता रहता है। तो चेंजेज आने की वजह से क्या होता है कि इसका जो एपरेंट पोजिशन है वो बार बार बदलता रहता है, कभी नीचे आ जाता है कभी ऊपर चला जाता है। तो इसका एपरेंट पोजिशन में बार बार चेंजिंग होने के वजह से स्टार जो है वो हमेशा ट्विंकलिंग करता है। अब एक क्वेश्चन और भी बहुत पूछा जाता है कि व्हाई प्लैनेट इज नॉट ट्विंकलिंग। तो जाहिर सी बात है दो कारण है। सबसे पहला कारण कि प्लैनेट के पास खुद का लाइट नहीं होता है, नंबर वन। मान लीजिए कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से उसके पास लाइट आ भी गया तो प्लैनेट जो है वो स्टार के रिस्पेक्ट में वो हमारे अर्थ के काफी करीब हैं और उसके ऊपर जो पॉइंट टाइप स्ट्रक्चर में जो बदलाव आता रहता है वो बदलाव उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए प्लैनेट जो है वो ट्विंकलिंग करता हुआ नजर नहीं आता है बिकॉज वो हमारे अर्थ के काफी करीब है, जबकि स्टार जो है वो हमेशा ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है क्योंकि वो हमसे काफी दूर है। एक इसी पे क्वेश्चन आता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ये क्या है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। सपोज दिस इज हॉरिजॉन, हॉरिजॉन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेस, जहां से सन बाहर की ओर निकलता है। अब थोड़ी देर के लिए आप यहां पर ध्यान दें, मान लीजिए सन का एक्चुअल पोजिशन ये है, अभी सन सनराइज नहीं किया है, जस्ट होने वाला है, क्या होगा? ये भी एक लेयर में आएगा और इस तरीके से यहां से आकर के आई तक जाएगा, लेकिन हम तो इस चीज को ऊपर की ओर देखेंगे तो सन हमें यहां नजर आ जाएगा। एक्चुअल सनराइज हुआ नहीं लेकिन सन हमें दिखा। और ये होता है कैसे? सनराइज होने से 2 मिनट्स बिफोर, है बिकॉज हमने अभी अभी बताया कि स्टार जो है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन स्टार जो है वो हायर नजर आता है, ऊंचाई पे आ जाता है, मतलब एक्चुअल पोजीशन सन का ही है लेकिन हमें दिख गया यहां। और जैसे ही सन यहां अपीयर हुआ तो आप कह देंगे कि सनराइज हो गया, लेकिन एक्चुअल में सनराइज हुआ नहीं। सनराइज 2 मिनट के बाद एक्चुअल सनराइज होता है। ठीक इसके तरह ही सनसेट के समय में सनसेट हो गया लेकिन सनसेट होने के बाद भी आपको सन दिखता रहेगा, कितनी देर तक? 2 मिनट तक। आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ एक्चुअल सनसेट सन आपको दिखाई देता रहता है, इसको हम लोग कहते हैं डिलेड सनसेट, और जो पहले नजर आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सनराइज, और दोनों में ही 2 मिनट का ही फर्क होता है। तो बच्चों आपने इसको समझ लिया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको भी मैं भेज दूंगा, इसके आंसर्स को भी भेज दूंगा आप लोगों को। केवल समझाने के लिए ही मैंने ऐसा काम किया है। अब मैं अगले टॉपिक में आता हूँ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना। जैसे रे ऑफ लाइट जब आता है एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर में जब इन करता है सन का लाइट, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसका की शेप अलग अलग होता है। कुछ डस्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे शेप का होता है, कुछ बड़े शेप का होता है। अलग अलग शेप का जो एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल है वो अलग अलग कलर के रे ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, बाहर की ओर फेंक देता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जिस कलर का वेवलेंथ जितना कम होगा, वेवलेंथ याद रखेंगे, वेवलेंथ जिसका जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्कैटर्ड होगा, और जिसका वेवलेंथ हाई होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो मैंने आपको पहले बताया है कि रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है जबकि वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। तो रेड का स्कैटरिंग कम होगा, रेड कम फैलेगा जबकि वायलेट जो है वो सबसे ज्यादा फैलेगा। अब सवाल उठता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और भी चीज मैं इसमें बताना चाहता हूं, वो था टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट में टेंडल नाम करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाथ ऑफ स्कैटरिंग को बताने का प्रयास किया था। उन्होंने किया क्या था कि एक लिक्विड से लाइट को पास करवा करके उसके पाथ को डिसाइड करने का प्रयास किया था। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप देखते होंगे नॉर्मली आपको एटमॉस्फेयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन वही रे जब किसी विंडो होल से निकल करके आता है तो उससे आते हुए रे के पाथ में आपको बहुत सारा डस्ट पार्टिकल उड़ता हुआ नजर आता है। दिस इज ड्यू टू टेंडल इफेक्ट। नाउ इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, स्काई ब्लू क्यों दिखता है? एक बहुत ही सिंपल बात है, जब सन का रे ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में आता है तो डस्ट पार्टिकल जो है
उसको स्कैटर्ड करता है। तो सबसे पहले स्कैटर्ड हो जाता है वायलेट, वायलेट के बाद स्कैटर्ड हो जाता है ब्लू, और ब्लू के बाद वायलेट के बाद इंडिगो, और देन आफ्टर ब्लू। बट हमारा आई वायलेट और इंडिगो कलर के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो फिर बचा कौन? ब्लू। तो इसलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू अपीयर होता है, स्काई पूरी तरह से ब्लू नजर आता है। लेकिन जरा सोचो, जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहां इस तरह का कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगा, और जब स्कैटरिंग नहीं होगा तो आपको ब्लू कलर दिखेगा नहीं। तो वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इन स्पेस स्काई अपीयर डार्क ब्लैक। क्यों भाई? क्योंकि स्पेस में तो एटमॉस्फेयर है नहीं, और जब स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है वहां स्कैटरिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा तो डार्क ब्लैक हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां पे है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट स्काई नियर द सन अपीयर रेड। अब सोचिए, जिस समय सनराइज हो रहा है, सनराइज हुआ, सारा कलर स्कैटर्ड होकर के दूर दूर चला गया, सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा? सबसे कम स्कैटरिंग हुआ रेड का। तो वही कारण से सारा कलर तो स्कैटर्ड हो गया लेकिन रेड कलर जो है उसकी स्कैटरिंग हुई नहीं, तो सन के चारों ओर का जो रीजन है वो रेडिश हो जाता है। आपने देखा होगा जितना भी डेंजर सिग्नल होता है, डेंजर सिंबल होता है, उन सभी को रेड कलर से ही इंडिकेट करते हैं। उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, जिसके वजह से ये दूर से ही दिख जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने इस एक्सरसाइज को आपके लिए ख़त्म कर दिया है, और अगले वीडियो में अब हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। लेकिन याद रखें, मैंने ऑप्टिक्स के सारे पार्ट को ख़त्म कर दिया है। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का वो इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसमें भी तीन चैप्टर्स हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एज वेल एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।